हेलो फ्रेंड्स, और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हमने हमारा जो नॉर्थ गोवा में लास्ट डे था, सो 10 बजे हमारा चेकआउट था, सो 10 बजे के आगे हमारे पास 4 घंटे थे जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरह से स्पेंड किए। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग 7 बजे उठकर हमारे रिसॉर्ट से कैंडोलिम बीच पर गए। ये बीच हमारे रिसॉर्ट से शायद 3-4 किलोमीटर्स की दूरी पर था, सो हम लोग गूगल पे सर्च करके सुबह में 7-7:30 बजे ही निकल गए थे। यहाँ पे आके हमने नाश्ता किया, पोहा और टी। यहाँ पे सुबह में सभी दुकानें और बीच शैक्स और वो सब बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बीच का मज़ा तो ले ही सकते हैं। इस बीच पे आने का हमारा बहुत मन था, और यहाँ पे जो भी बीचेस है गोवा में, कैंडोलिम बीच वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस टू सी इन गोवा, सो यू डोंट वांट टू मिस इट फॉर द वर्ल्ड आई थिंक। एंड आप देख ही रहे हो कि सुबह में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बीच का मज़ा ले रहे हैं। और ये दो बहनें जो हमको दिख रही है, वो ब्रेड्स के लिए हमको पूछ रही थी, लेकिन हमको ब्रेड्स नहीं बनवाने थे हमारे बालों में। सो यहाँ पे आप जो सीन देख रहे हो, वाव, लाइक ओह माय गॉड, जो पानी के लहरें हैं यहाँ पे, जो हाई टाइड एरिया है, जो सर्फिंग के लिए जो लहर रहती है, उस तरह की टाइड्स आपको देखने मिलेगी। वेव्स काफ़ी ऊंची रहती है, अगर आप इसमें अंदर फिसल भी सकते हो तो इस बात का ध्यान रखें। मैं यहाँ पे अंदर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे पानी देखना था कितना ठंडा है। और यप, ओ माई गॉड, इट वॉज लाइक इट वॉज आइस कोल्ड वाटर इन द मॉर्निंग, एंड इट वॉज सो रिफ्रेशिंग। लेकिन ये जो लहर है वो धीरे धीरे उसका जो पावर है वो बढ़ता जाता है, और 3-4 ये छोटी लहर के बाद जो बड़ी सी लहर आती है वो आपको अपनी जो पाँव की रेत रहती है वहाँ से हिला सकती है, आपको गिरा भी सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ की लहरें बहुत स्ट्रांग है और आप तुरंत ही पानी में धंसते हुए चले जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप इस बात का ध्यान रखें। सो कैंडोलिम बीच पर हमने बहुत एंजॉय किया, और वहाँ से हम लोग गए अगोड़ा फोर्ट। अगोड़ा फोर्ट वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और मैं बहुत खुश लग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश थी, ओके। और हम लोग सुबह में इसलिए जा रहे थे क्योंकि फिर अगर नहीं जाते तो ये मिस हो जाता, और हमें मिस नहीं करना था। सो सुबह में जाने का एक फ़ायदा है कि बहुत सारी भीड़ नहीं रहती है, ट्रैफिक नहीं रहता है। ये जो एरिया है वहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे बोट है, क्योंकि ये डॉल्फिन पॉइंट है, यहाँ से आप डॉल्फिन देखने के लिए भी जा सकते हो। यहाँ से आपको टिकट लेना रहता है और वो फिर वहाँ से आपको ले जाते हैं। और आप ये जो रास्ता देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है। अगर आपको फोर्ट विजिट करना है तो आपको उस डॉल्फिन पॉइंट से ऊपर जाना पड़ता है। लुक एट ऑल दोज डॉग्स, यप।
एगुआरा फोर्ट पे आप जब जाते हो तो वहाँ पे जो पार्किंग है वहाँ पे आपको 50 रुपीस पे करने रहते हैं, और जो एंट्री फी है वो एडल्ट के लिए 25 रुपीस पर हेड है, और अगर आप फॉरेनर्स हो तो आपके लिए 175 रुपीस करके कुछ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने एंट्री ले ली है और हम अंदर भी आ गए हैं, जो कि नज़ारा जो दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जो एटमॉस्फेयर था उस टाइम सुबह के 9:30 बज रहे थे जब हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो यहाँ से आपको दिखेगा दूर एंट्री पॉइंट है, अंदर जाने का रास्ता है, और साइड में जो आपको वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लाइट हाउस है। अगोड़ा फोर्ट जो कि गोवा के कैंडोलिम पार्ट में है, वो वहाँ का सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। ये फोर्ट जो कि है जो 17th century में पोर्टुगीज लोगों ने बनाया था, और ये फोर्ट उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि वो मराठा और डच लोगों का सामना कर सके। इस तरह से ये फोर्ट की जो हिस्ट्री है वो 400 साल की हो जाती है। और जो अगोड़ा, जो अगर आप हिंदी में बोलोगे तो होता है एगुआदा, और इसका मतलब जो है वो पोर्टुगीज़ में फ्रेश वाटर होता है, और इसी से जो फोर्ट है उसका नाम एगोड़ा फोर्ट रखा गया है। ये जो फोर्ट है वहाँ सबसे पहले फ्रेश वाटर की पूरी स्प्रिंग थी, और जो सेलर्स थे जो यहाँ पे आते थे वो लोग इस फोर्ट पर आकर अपनी जो टैप वाटर की जो स्टॉक है उसको रिप्लेनिश करते थे। यहाँ पे अंदर आकर आप अगर राइट साइड पे मुड़ते हो तो आपको एक पिक्चर गैलरी दिखाई देती है, ये लोग अभी देख रहे हैं वो सब पिक्चर्स को। इसमें गोवा का जो पूरा हिस्ट्री है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस बिफोर और आफ्टर की जो कंपैरिजन है उस तरह से ये लोग ने लगाए हैं कि कैसे उन लोगों ने बिफोर के जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिप्लेनिश करके, उसकी मरम्मत करके उसको अच्छा ठीक किया है, तो अभी आफ्टर में उसका क्या हालत है। इस तरह की जो ये गैलरी है वो आप देख सकते हो। यहाँ से आगे चल के आप देखोगे कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये दो लोग जो बैठे हैं वहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हो, बहुत अच्छी फोटोज आती है। तो यहाँ पे हम लोग लोअर डेक पे हैं, लोअर डेक पर आप देख रहे हो बीच में पूरा ग्राउंड है, और साइड में आपको लाइट हाउस भी दिखेगा। लाइट हाउस अभी रिकंस्ट्रक्शन में है और हम को अंदर नहीं जाने देते हैं, वो बाहर से ही हमको देखना होता है। आप वहाँ पे फ़ोटो खींचो, आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। और ये जो लाइट हाउस है वो एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउस के डिज़ाइन में से एक है, सो इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये बात भी है कि इस लाइट हाउस में पहले मोमबत्ती जलाकर जो सिग्नल दिखाते थे एवरी 30 मिनट्स दिखाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये बंद करके इलेक्ट्रिकल लाइट लगा दी। जो अब हम आ गए हैं वो पॉइंट पर जो कि इस पूरे फोर्ट का मेन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से जो आप अरेबियन सी देख रहे हो ये व्यू, ओ माय गॉड, लाइक इट्स वर्थ एवरीथिंग। विल यू लुक एट दैट, द ब्लू वाटर एंड द सनराइज इज मेकिंग द सीन 1000 times more beautiful. Even the greenery that you are looking here is something else. Like it gave us tremendous amount of pleasure just looking at that and enjoying the view, enjoying the sunrise, enjoying the water, enjoying the cool breeze that was coming towards us. और यहाँ से हम लोग ने सोचा कि अब पूरा एक चक्कर मार ही लेते हैं।
जाएंगे ऊपर की ओर, और मेरी हालत चढ़ते चढ़ते रियली बहुत ख़राब हो चुकी थी, पता नहीं, लेकिन जो नी पेन था वो ज़्यादा हो रहा था। लेकिन फिर भी एज यू कैन सी आई एम वेरी एंथुसियास्टिक हियर एंड द लाइट हाउस इज़ अमेजिंग, लाइक लुक हाउ जायंट इट लुक्स। अगर आप वहाँ पे ना फोटो खिंचवाते हो तो आप एक एंगल से पूरे लाइट हाउस को अपने कैमरा में नहीं ले सकते, आपको बहुत दूर खड़ा होना पड़ेगा जिससे पूरा लाइट हाउस और आप एक फोटो में आ सके, लाइक इट वॉज दैट ह्यूज। यहाँ पे आने के बाद भी आपको वही वाला व्यू दिखेगा, प्लीज़ ये बॉटल्स और ये प्लास्टिक ना फेंके इस तरह से, अगर आप कहीं भी जाते हो इट्स नॉट गुड टू थ्रो प्लास्टिक्स। एंड द व्यू इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, ओह एज यू कैन सी द आइलैंड, आई कैन सी सम आइलैंड अप देयर। अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ पे आपको आरओ का पानी मिलता है, ये जो नल रहते हैं उसमें आरओ का पानी आता है, सो यू कैन ड्रिंक इट विथआउट वरिंग योरसेल्फ। और इसके बाद हम लोग हमारे रिसोर्ट पर वापस आ गए और हमने चेकआउट कर लिया है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा का सफ़र तो ख़त्म हो गया, yes it was a bitter sweet feeling but it was very great experience for ourselves. So friends, I hope you enjoy this video as we enjoy ourselves. और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारी इस गोवा की सीरीज को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट गोज विदाउट सेइंग। और आपको अगर किसी भी बात की कोई क्वेरी है, और अगर आप भी अपने आप से वहाँ पे जाने की सोच रहे हो, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, प्लीज़ लीव योर कॉमेंट्स। और अगर आपको पूरी डिटेल में पूरा चाहिए, पूरा आइटनरी और कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने खर्चे रहते हैं और वो सब, आपको प्राइस और वो सब पूछना है, तो आप हमको ईमेल कर सकते हो। मैं हमारा ईमेल अब डिस्क्रिप्शन है उस पर डालूंगी, आप वहाँ पे हमको कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल हैप्पी टू गाइड यू इन एनी वे दैट वी पॉसिबल। एंड और एक बात है कि अब जो हम वीडियो डालेंगे पूरे साउथ गोवा के हैं, साउथ गोवा के भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेस है जहाँ पे हम गए थे 2 दिन में। और साउथ गोवा बहुत ही बड़ी एरिया है, लाइक यू कांट एक्सप्लोर इट कम्प्लीटली इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 3 to 4 days जस्ट फॉर साउथ गोवा, बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, सो मेनी थिंग्स टू डू, एंड देर आर सम qualities of South Goa that you don't see in North Goa, and we will going to see all that in the next video. So please stay tuned and subscribe to our channel, and I will see you in my next video. Bye.